नाजरीन सलाम व आदाब। प्रोग्राम हमारा समाज और हम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। चारों भाई, पिछले लगभग 3 हफ्ते से शहर में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर विधायक जितेंद्र आवाज द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर के काफी माहौल गर्माने की कोशिश की जा रही है। उन पर एफआईआर दर्ज कराने की लगातार अलग अलग राजनीतिक दल और कुछ संस्थाओं द्वारा और लोगों द्वारा मांग की जा रही है। और एक सवाल जो है सोशल मीडिया पर और पूरे शहर में लगातार उठाया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कई मुस्लिम नगर सेवक है, कई मुस्लिम पदाधिकारी है, लेकिन उन्होंने अब तक इस पर कोई मुंह नहीं खोला, उन्होंने कोई बात नहीं की। तो और इसी में उलमाओं को भी जोड़ा जा रहा है। तो उलमाओं का सवाल में एक लंबा सवाल है, वो दूसरा मैं सवाल दूंगा आपसे, लेकिन पहला ये सवाल है कि अंतर्गत आप भी एक मुस्लिम है, रिटुअल जो है आप पूरी तरीके से पालते हैं, तो क्या इस मुद्दे पर आप जैसे नेताओं ने विधायक जितेंद्र आवाज जी से कभी कुछ इस पर चर्चा की, कुछ बात की उनके वक्तव्यों को लेकर? सबसे बड़ी बात ये कि जो भी कुछ आज 2-3 हफ्ते से हो रहा है, हम लोग जिन लोगों को करते हुए देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति का हिस्सा भी दिख रहा है। लेकिन मैं राजनीति के हिस्सों को हटा के एक पहलू जो आता है एज अ मुस्लिम, एज अ एक सामाजिक न्यूट्रल आदमी, तो लोग सोचते हैं वो हिसाब से बोलूंगा। एक बात सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी धर्म के ताल्लुक से, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, जिसके 4 मानने वाले, उनके बारे में भी हम कोई भी नेगेटिव टिप्पणी नहीं करना चाहिए ताकि लोगों के भावना को आहत ना पहुंचे। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ऐसी कोई भी चीज जिससे रिलीजियस को धक्का लगे, हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, और ऐसे में अगर उधर भी हम बोलते जिस जगह पर हिस्ट्री के हिसाब से, राजा के हिसाब से देखेंगे, तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ अलग लोगों के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन हम लोग जो सोचते हैं वो एक जिंदा टोपी सिल के अपनी बादशाह को जिंदगी देने वाले बुजुर्गान दीन, उनके हिसाब से हमारी पूरी कम्युनिटी की छवि है। इसलिए हम इस बात को हमेशा से इनकार करते हैं और मानते भी नहीं जो कोई ऐसा कोई बात भी बोलता है। हम एकदम क्लियर मानते हैं कि वो एक बुजुर्गान दीन थे और उन्होंने अपनी जिंदगी का जो मकसद है वो टोपी सिल के अपने उन्होंने जिंदगी का बसर किए थे और एक नमाजी परहेजगार इंसान थे। ये हमारा वली अल्लाह के ताल्लुक से उनके बारे में बुजुर्गान दीन है, ये हमारा एकदम क्लियर स्टैंड है। ये हमने बचपन में भी पढ़ा था, ये हमने हमारे दीन से भी पढ़ा। इसलिए यही चीज हमने हमारे जो नेता है उनसे भी ये बात का विरोध जताया, बाकर कि हमको ये सब चीजों के ऊपर बात नहीं करना चाहिए। हमारा मकसद काम है, हम लोग काम के ऊपर बात करना चाहिए। हम लोगों से कभी, हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कभी भी प्लेटफॉर्म रहा है कि वो जात धर्म से हटके सभी को लेके हित की बात की है, तो 4 लोगों की भी भावना दुखती है तो वो भी बात नहीं करना चाहिए। ये तो एक कम्युनिटी का मामला है और हमारी नजर में तो वो एक रहमतुल्लाह थे और बुजुर्गान दीन थे और एक नेक नमाजी परहेजगार थे, वो ताउम्र हमारी नजर में वैसे ही है। तो इस मसले में जैसे आवाज साहब ने टिप्पणी की है और लोगों में नाराजगी है, तो उनकी तरफ से आप मतलब माफी मांग रहे हैं, मतलब माफी चाहते हैं? मैं एक बात मतलब दुख जता रहे हैं इस बात। देखिए मैं एक बात बता दूं, अगर आवाज साहब की तरफ से मुझे माफी मांगना है तो मैं अपनी कौम से 100 बार माफी मांगता हूँ, और माफी मांगने की बात नहीं, मैं एज अ मुस्लिम, मुझे भी इस चीज का दुख है, माफी मांगने मुझे भी दुख है ना, मैं मुस्लिम हूँ ना, पहले मैं मुस्लिम हूँ, फिर मैं कोई पार्टी में, अगर मेरे मुस्लिम अगर मैं शरीयत में ही नहीं रहूं तो ऐसी पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं। एज अ मुस्लिम मुझे खुद भी इस बात का मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और इस विरोध को हमने डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी के सामने बोला, और मुझे ऐसा मेरा ऐसा मानना कि वो समझदार आदमी, ऐसी चीजों से उन्होंने कभी भी परहेज किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो बात को, ये बात को मानते कि नहीं, एक जिस शख्स ने अपनी जिंदगी काम के लिए डेवलपमेंट के नाते राजनीति की, वो इस चीजों से ऐसा परहेज करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। और एक बात, सारी दुनिया के लोग चाहे कोई भी बादशाह, पूरे लोग सभी मिलकर भी ताकतवर एक तरफ हो जाए और अगर बोले कि इस्लाम में जिनको हम हीरो मानते, जिनको हम मानते, जिनके बारे में हमने हमारे बाप दादा से सुने, वो गलत है और इस्लाम गलत है और इस्लाम अमन परस नहीं है, तो वो सारी दुनिया के ताकतवर लोग एक तरफ हो जाए तो भी हम उससे मानते नहीं। जो इस्लाम में है वो इस्लाम का एक जेर बदर भी हट नहीं सकता, एक अल्लाह के मानने वाला जब तक इस दुनिया में। चानू भाई, शिकायत ये रही है कि आखिर इतनी देर से क्यों आया आपका स्टेटमेंट, ये देखिए काफी गुस्सा, उसके बाद में भी उनका एक स्टेटमेंट और आया, किसी को हमदर्दी नहीं है अपने बयान पर, काया मुंह जो तारीख में वही कह रहा हूँ, तो इस चीज पे क्या कहेंगे? मेरे बस में मैं उन्होंने उनका मैंने 2 स्टेटमेंट सुना, एक तो ये कि उन्होंने जो बोला, फिर उसके बाद मैंने दूसरा स्टेटमेंट भी सुना जो उन्होंने अच्छा ही बात भी बताई, वैष्णव मंदिर के बारे में जो है, हाँ अच्छा ही वैष्णव मंदिर को तोड़ाने के उनके कारण वो सब भी बताया, तो अब कौन सा क्या फैलाया उस पर मैं जीतते ले जाता हूँ। मैं एज अ मुस्लिम नुमाइंदा, एज अ मुस्लिम पर्सन इकरार करता हूँ, और हमने अपने पक्ष के अंदर हमारे आला कमान हमें सभी लोगों को ये अपना बता दिया गया है कि ऐसी बातों से हमको बचना चाहिए और ऐसी बातें करना ही नहीं चाहिए जिससे किसी भी लोगों को आहत हो, चाहे वो 4 जन को मानने वाले नहीं हो, उनके मानने वाले तो एक बड़ा तबका है, उनका मानने वाला तो एक बड़ा तबका है जिसमें मैं भी हूँ, मैं भी ऐसा मानता हूँ। अब इसी मुद्दे को लेकर के कुछ वीडियो भी एक वायरल हुआ है, कुछ राजनीतिक दल के पदाधिकारी है उलमाओं को लेकर के टारगेट किया जा रहा है,
और उलमाओं को दलाल तक बोला जा रहा है। तो क्या मतलब ये जो अब इस तरीके का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, इस तरीके की जो बातें हो रही है, कहां तो उचित लगता है आपको? यही प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम लोग जिनको इल्म के बारे में कुछ मालूम नहीं, कुछ जाहिल लोग, हम उन उलमाओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कतई ही नहीं करना चाहिए। मैं आपके जरिए ये आग्रह करना चाहता हूँ और विनती भी करना चाहता हूँ, मैं ये सोच मैं ये भी डिपार्टमेंट को भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए शहर में कोई भी अपने राजकरण के लिए उलमाओं को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बदतमीजी ना करें। उन्होंने कहीं ना कहीं किसी दीनदारी मामले में काम किया होगा, एक नमाजी होंगे, परहेजगार होंगे, कुछ तो होगा जो उनको उलमा बोल रहे। और उलमाओं का अगर आप एक उलमा को बोलते हो तो महाराष्ट्र देश में ऐसा लगता सभी उलमाओं कैटेगरी में आ रहे, तो कुछ उलमा बोलने से नहीं चलेगा। उलमाओं से अगर आपको शिकायत है आप उनके खानकाह मस्जिद मदरसे में जाइए और उनको बोलिए कि आपसे हमको ये शिकायत है और उनसे जवाब लीजिए। लेकिन हम कोई भी उलमा को ऐसी टिप्पणी करें कि कोई भी उलमा को हम ऐसी टिप्पणी करें कि वो दलाल है, ये बहुत गलत बात है और इसकी निंदा करते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। और मैं आपको साफ बोल देता हूँ, मैं अपनी पार्टी से शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं एनसीपी के लोगों के साथ सभी पक्ष के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज कोई भी लोग अपने उलमा ग्राम पंडित धार्मिक भावनाओं के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल ना करे पॉलिटिक्स के लिए, वो एक अलग चीज है, उसे पॉलिटिशियन के लाइन पे लाया ना जाए। हाँ, हर आदमी के कुछ उलमा, कुछ दीनदार, कुछ पंडित अलग अलग पार्टी के मानने वाले हो सकते हैं, जिनका झुका हो सकता है, लेकिन वो एक पक्ष के नहीं होते, वो एक समाज के होते और उनके लिए रिस्पेक्ट होती है। उनको अगर 400 लोगों ने भी उनके दिल में रिस्पेक्ट है, वो 400 लोगों को रिस्पेक्ट कमाने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए उनको काफी वर्ष लगे होंगे। मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए और डिपार्टमेंट को भी इसके ऊपर कड़ी नजर लगना चाहिए। अगर उलमा खामोश है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बुजदिल है, वो इस शहर के वातावरण को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए वो खामोश है। और आपके ऊपर, आपसे भी मेरी विनती है कि ऐसे लोगों को कम से कम प्रेस के माध्यम से भी समझाए, क्योंकि सोशल मीडिया प्रेस का डिपार्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। हम उलमाओं के ताल्लुक से टिप्पणी करें, आपको टिप्पणी करना है, अगर हमने आपके बारे में कुछ गलत बोला तो हम आप पॉलिटिकली टिप्पणी कीजिए, सामाजिक टिप्पणी कीजिए, लेकिन कोई भी धर्म के ताल्लुक से पंडित, उलमा, पादरी, कोई भी समाज के लोग, उनको प्लीज सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पे ऐसी बेइज्जती ना करें। जिस तरह से उलमाओं का नाम सामने आया, चाहे वो एमआईएम पार्टी के लोग हों या दूसरे लोग हों, जो विरोध किए थे उन्होंने सभी उलमाओं को नहीं कहा था, ऐसा उनका कहना था। मैं वही बोल रहा हूँ, जो सिर्फ एनसीपी के ही मेरी बात समझ नहीं आती है और किसी दूसरे मामले में सामने नहीं आते। मेरी बात मैं ऐसा मैंने शुरुआत में ये कह दिया कि आप समझिए, हम लोग कभी हम इस जगह पे रहते तो मेरे से भी कोई बेचारे किन जगहों को मदद से मस्जिद वालों को मैंने काम किया, कोई अलग अलग काम किया, तो वो इत्तेफाक रखते, लेकिन वो कोई पार्टी के नहीं होते, उलमा कोई पार्टी के नहीं होते। अगर आप लोग मुफ्ती के वक्त पे आ सकते थे तो फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह, आप लोग आप लोग अपनी पॉलिटिशियन के लिए उलमा को दलाल ना बोले। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक पांच वक्त के नमाजी को भी दलाल मत बोले। अगर वो दिल्ली में इदारे से ताल्लुक रखता है, वो बाजू में बैठ गया तो वो एनसीपी का पदाधिकारी नहीं। आपको अगर बदतमीजी बोलना है आप हमारे पक्ष के कोई लोगों को बोल सकते हैं, लेकिन आप उसमें उलमा को घसीटे नहीं। मैं इसकी निंदा करता हूँ, वापिस बोलता हूँ, और मैंने आपको पहले ही बोला इसकी शुरुआत मैं एनसीपी से चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी से शुरुआत कर रहा हूँ। कोई कार्रवाई होगी जिस तरीके से बोला है? मैं अपनी 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 पार्टी से शुरुआत कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी के लोगों से शुरुआत करना चाहता हूँ कि प्लीज उलमाओं के ताल्लुक से प्लेटफॉर्म ऐसा ना बनाइए ताकि हमारे उलमाओं की बेइज्जती हो। ये मैं अपनी पार्टी से बोल रहा हूँ, अपनी शुरुआत में अपने से करवा रहा हूँ और फिर वो सबको होना चाहिए। लेकिन चालू भाई, सवाल तो उठता है ना कि जब आप लोगों का मामला हुआ था, तमाम उलमा इकराम जो है आए थे, आंदोलन में शामिल हुए, आंदोलन खत्म कराए, लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह का मामला आया तो कहीं कोई उलमा नहीं आया, तो इस वजह से लोगों ने, आप लोगों का मामला नहीं हुआ, इस शहर के अंदर 354 जैसे फर्जी मुकदमे अगर एक लोक प्रतिनिधि पे लगाए जाएंगे और उसको मिटाने के लिए कोई उलमा आ गया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मिटाने के लिए। अगर ये शांतता रखने के लिए शहर में कोई उलमा आते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज मैं चाहता, अगर समझिए एमआईएम, समाजवादी पार्टी, सभी पक्ष के लोग अगर धर्म में बैठ जाते और उससे शहर का वातावरण खराब होता है और शहर के उलमा उनको भी अगर खत्म कराने जाए तो ये एक सुलह रहने वाली बात होती है। उलमा किसी पक्ष के नहीं होते। मेरी विनती है पॉलिटिकल लोगों को, आप बदतमीजी कीजिए, नगर सेवक को बोलिए, आप बड़े लीडर को बोलिए, आप हमको बोलिए, हम उसका जवाब हमारे तरीके से दे देंगे। उलमा खामोश है तो उनको बिचारी खामोशों को उनकी बुजदिली ना समझा जाए। एक भी शख्स जो है, एक भी उलमा को ना कोई उनके बारे में टिप्पणी करे, ना ही उनको पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म पे उनको इस्तेमाल किया जाए। मैं वापस बोल रहा हूँ, इसकी शुरुआत मैं चाहता हूँ एनसीपी से। भाई, इस वक्त मुमरा के लोग जो नाराज है, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे इस पूरे मामले में? देखिए, मुमरा के लोग नाराज है, मैंने यही नाराज थी, हमने हमारे पार्टी के बड़े लीडर आवाज सब तक भी पहुंचा दी और एक समझदार लीडर है, 354 दाखिल होने के बाद वो आहत है, कहीं ना कहीं वो थोड़े से दुखी है और ऐसी उस मामले को लेके मुझे ऐसा लगता है, इसलिए उनके दोनों स्टेटमेंट देखा, अब कौन सा स्टेटमेंट पहले आया और बाद में आया इसकी पता मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने दोनों स्टेटमेंट उनके सुना और लोगों ने भी सुना। हम लोग ये बात इकरार करते हैं कि ऐसी बातों पर कोई भी पार्टी को बोलना नहीं चाहिए। आप इस्लामिक स्कॉलर नहीं हो,
काम इस्लामिक ताल्लुक से कोई भी बात ना करे। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क, बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबर के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं आपका दोस्त भी है, इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।